लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, पड़ोसी भी वहां आग बुझाने नहीं आते। इसका अर्थ है कि आप कभी कोई गलती ऐसी मत कर दो जो अकेले भोगनी पड़ेगी, कभी कोई सहायता उसमें करने वाला, लोग हाथ खड़े कर लेते हैं, कोई मदद नहीं करेगा तुम्हारी गलती पर। इसीलिए लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए। घर का विवाद समाप्त होगा कब? जब घर में ये तालमेल होगा ठंडा गर्मी का। भगवान शिव शील स्वभाव हैं, गंगा जिनके सिर पर पधराई हुई है, चंद्रमा, दोनों ही शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा भी और गंगा भी, और ये शिव जी के सिर पर विराजमान है। पवित्रता शीलता ये दोनों शिव जी के सिर पर है, जटाओं में है। माता पार्वती शक्ति हैं, इसीलिए उद्विग्न है, ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, चंचल हैं, क्रोधी हैं, अपनी बात मनवाने की इच्छा रखने वाली पार्वती। शंकर भगवान ने विवाद को समाप्त कर दिया, ऐसी जगह पे क्या चाहिए? विवेक, तीसरा नेत्र चाहिए। घर का झगड़ा बंधु तभी मिट सकता है जब कोई हार जाए। घर में हारना कोई अगर नहीं सीखता है तो घर का झगड़ा कभी मिट सकता नहीं है। घर में हारने में ही जीत है, जीतने में कोई जीत। घर के अंदर कोई विवाद है, आपस का कोई विवाद है, रिश्तों में विवाद है, तो हार जाना ही उन्नति का एक सही रास्ता है। अगर आपस में पुत्र पिता का, शिष्य गुरु का विवाद, तो विवाद लड़ने से कभी समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें आहुति चढ़ाने वाले लाखों लोग हैं। उस लाखों लोगों को हटाना है तो खुद को समाप्त कर लो, खुद मैट लो उसे। अरे अपना किसी को माना है, हो सकता है कोई नादान हो गया हो, पर तुम तो नादान नहीं हो, तुम तो ज्ञानी हो। ज्ञानी किस काम का फिर, अगर नादान का नादान हो जाए तो? ज्ञानी तब ज्ञानी है जब वो अपनी मुसीबत को स्वयं समाप्त कर दे, किसी की बिना आवश्यकता के, तब वो ज्ञानी है। और मुसीबत आने पर दुनिया जमा हो जाए तो क्या मुसीबत मिटाएगी दुनिया? सवाल ही नहीं उठता। हमने आज तक देखा कि हवन कुंड होने के बाद, हवन हो जाए उसके बाद भी लोग आहुति डालते रहते हैं, आके आके जो आता है वही आहुति फेंक के चला जाता है दर्शन करके हवन कुंड में। ऐसी ही ये दुनिया केवल आग बुझाती नहीं, आग जलाने में सहायता करती है। इसीलिए परिवार को बचाने के लिए अपने आप को हराना सीखो। जो घर में हराना सीख गया वही शासन करेगा, वही जीतेगा। दुनिया से जीतना चाहते हो तो खुद से हारो, अपनों से हारो। अपनों से हार कर साथ मिलेगा समय पर, अपनों से जीतने के प्रैक्टिस में, कंपटीशन में आप अकेले पड़ जाओगे। भगवान मंदिर में जो मूर्तियां हैं ये परेशान क्यों नहीं है बताओ? क्यों परेशान नहीं है ये? इतनी जनता बिहारी जी पे आती है, कोई फेंक के मारती है बिहारी जी में, कहीं छाती पे लगता है, कहीं कहीं लगता है, कहीं कहीं लगता है। यहां तो छोड़ दो, हमारे भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी, यहाँ दाऊ जी गोकुल के पास में तीर्थ है, उस मंदिर में तो लोग मटका लेते हैं, मिश्री भर के मारते हैं दाऊ जी महाराज में। 26 टांके आएंगे किसी खोपड़ी पर लग जाए तो दाऊ जी महाराज सब झेल रहे, सहन कर रहे। क्यों? वो जानते हैं अगर पूजना है तो सहन करने में ही पूजा होगी, क्रॉस करने से पूजा हो सकती कभी नहीं हो सकती है। और सहन करते हैं इसीलिए वो भगवान है, ये ध्यान करना। उनकी लाठी कैसी चलती है, छुपे रुस्तम, पता नहीं चलता उनकी लाठी कब कहां से आएगी और थड़ाम करके तोड़ के चली जाएगी। उन्हें स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता, जो करता है वो भक्त करता है। दंड भी भक्त भोगता है, सुख भी भक्ति भोगता है, भगवान फ्री है। इसीलिए भगवान का एक नाम है निर्लेप नारायण, अलिप्त नारायण, निर्लेप है, किसी में लिप्त नहीं होते,
कोई कितना भी आशिकी करे पर वो लिप्त नहीं होते उसमें। अभ्यात रुद्रम नकृत मूल व्यासम, भगवान सुखदेव, भगवान श्री व्यास, भगवान सूत जी अलिप्त जीवन है तो समाज के लिए कुछ कर पाए।